अस्सलाम वालेकुम हाय एवरीबॉडी, दिस इज मी योर मैन नवाज। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो गाइस, इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ और क्या करने की सोच रहा हूँ। यार, आजकल जो है ना, मेरी वीडियोस बहुत डाउन जा रही हैं, लाइक्स नीचे जा रहे हैं, कमेंट्स नीचे जा रहे हैं, शेयर नीचे गिर रहे हैं। मैंने स्टार्ट की है ब्लॉगिंग, आप जाएँ ब्लॉग्स देखें। फिलहाल महीने का आप ब्लॉग्स इंजॉय करें, मैं कम बैक करूँगा अपने टिकटॉक अकाउंट पर, मैं लाजमी कम बैक करूँगा। यार, हार मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। मैं हूँ, मेरी टीम है और बाकी कितने लोग हैं जो चार चार पाँच पाँच साल से यार मेहनत कर रहे हैं, सही, अभी तक वो कामयाब नहीं हो सके हैं। मतलब अभी तक उन्हें अपनी मंजिल नहीं हासिल हो सकी है, जिस मंजिल के वो हकदार हैं। सबसे पहली बात कि मैं जब भी लौटूंगा, इस बार अगर मैं लौटूंगा, मैं अपना कंटेंट लेकर आऊँगा। और दूसरी बात, फिलहाल मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं करने वाला हूँ टिकटॉक अकाउंट पे, सिर्फ ब्लॉगिंग की वीडियोज आएंगी मेरी, अपना कंटेंट लेकर आएगा आपका भाई। जिस फील्ड में हम जाने की सोच रहे हैं ना, इस फील्ड में यार बहुत से लोग आए हैं, बहुत से गए हैं, और वो क्यों गए हैं? सिर्फ हार मान के गए, एक वीडियो नहीं गई। मैं आज 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 4 साल मेरी वीडियोज नहीं जाती, मैं छोड़ूंगी। यार, 4 साल से अगर आपने लगाए हैं, उधर 2 साल और लगा कर देखो, सही करके इंशाल्लाह आप कामयाब हो गए। मैं ख़ुद को मोटिवेट करना चाह रहा हूँ। इस वीडियो का मेन मकसद जो है ना, मैं अपने आप को मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि मैं कभी हार ना मानूँ। वो कहते हैं ना, इमरान खान ने क्या कितनी प्यारी बात कही थी कि कामयाब वो नहीं होता जो सबसे ज़हीन होता है, सबसे टैलेंटेड होता है। अच्छी एजुकेशन मिलने वाला कामयाब नहीं होता है, कामयाब वो होता है जो बड़े ख्वाब देखता है, बड़ी सोच रखता है और उसके बाद हार नहीं मानता। तो हमने भी हार नहीं मानी, जो हो जाएगा हार तो नहीं मानेंगे। बाकी यार, लोग जलते जो है ना, हमारा काम है। लोग जल रहे हैं मतलब हम सही चल रहे हैं, और इस टाइम मैं तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा हूँ यार, इतना परफेक्ट चल रहा हूँ। कहते हैं ना, वक्त लगा दो वक्त बनाने में, लोग तरस जाएं तुमको अपना बनाने में, तो हमें भी लोग अपना बनाने में तरसेंगे इंशाल्लाह। ऐसा वक्त आएगा आएगा यार, वो मेरा भी तो खुदा है ना, वो मुझे भी तो खुदा करेगा ना, मुझे भी देगा। उसके हाथ में सब कुछ है, वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ले ले। अगर उसने अभी तक मुझे नहीं दी है, तो मैं इस चीज़ के काबिल नहीं था, उसने तब मुझे नहीं दी। जिस दिन मैं इस चीज़ के काबिल हो जाऊँगा, मुझे मेरा खुदा देगा। और ये एक ऐसा रास्ता है ना, जब अभी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, लोग मुझ पर हंसते हैं। सही सच्ची दिल की बात बता रहा हूँ, अगर मैं कहीं पर कैमरा निकालता हूँ ना, लोग हंसते हैं। लेकिन कब तक हंसेंगे? एक दिन आएगा ना, वही जो हंसने वाले लोग होंगे ना, वही हमसे मिलने के लिए भी तरसेंगे। अभी फ़िलहाल मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं एक तो मैं अपना लाजमी दोबारा लौटूंगा मेरे टिकटॉक अकाउंट पर, ऐसा लौटूंगा कि इंशाल्लाह इस बार जो है ना, अपना कंटेंट लेके अपने कुछ भी करूंगा, लेकिन कामयाब तो होकर रहना है। इस बार नहीं, अगली बार, जितनी बार मुझे 100 बार भी अगर मैं कम बैक करना चाहूँगा ना, करना पड़ा ना, मैं दोबारा करूँगा, लेकिन मैं कामयाब होकर दिखाऊँगा। मुझे जो चाहिए, मेरा जो मकसद है, मैं उसे हासिल कर करूँगा। यार, आपको ऐसे एक बात बताता हूँ ना, कि अगर यहाँ मेरे सामने पत्थर पड़ा हो ना, और 4 बंदे आके कह दें कि यार हम नहीं उठा सकते, लेकिन उनमें से अगर एक बंदा, सिर्फ एक बंदा जो है ना, वो कह दे कि मैं उठा सकता हूँ, मैं उठा के दिखाऊँगा, उसकी सोच सिर्फ डिपेंड करती है, वो जाएगा और वो उठा कर दिखाएगा। बाकी 3 जितना मर्जी जोर लगा लेना, वो नहीं उठा सकते, क्यों? उनकी सोच ही। अब मेरी सोच है, मुझे पता है मैं इसको हासिल कर सकता हूँ, मैं हासिल करूँगा। चाहे जितनी बार मुझे ट्राई अगेन फेल अगेन, जितनी बार चाहे मैं नाकामयाब क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जिस दिन मैं कामयाब होऊंगा। आज चाहे जिसका भी हो, कल अपना है, टेंशन भी नहीं है। लोगों को कामयाब होकर दिखाना है मैंने, बस बात ख़त्म। जिन लोगों ने मुझे, जो लोग मुझ पर हंसते हैं, जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, जो लोग मुझे जलते हैं, इन सबको बहुत सी रुकावटें आएंगी, बहुत सी मुश्किलें आएंगी। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरी तरह कितने ही लोग हैं, कितने ही वो हैं कि 4, 5, 5, 6, 6 साल से मेहनत कर रहे हैं यार, और इतनी अच्छी कमाल की वीडियोज़ बनाते हैं कि मैं खुद हैरान होता हूँ कि मुझसे भी कई इस तरह उनके लाइक 40-40, 50-50 लाइक आते हैं, बहुत आते हैं। हमारा तो फिर अल्लाह का शुक्र है, 100 से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन यार, अभी मैंने ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट की है,
तो आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए। बाकी मैं ये कह रहा था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें सिला नहीं मिलना। इंशाल्लाह मिलेगा। फाइनल में मैं यही कहना चाहता हूँ, कभी हार नहीं मान, बस करते रहो करते रहो करते रहो। कब तक यार, आखिर कब तक? कभी ना कभी तो जाएगी ना, बस इंतज़ार। बाकी ये कि डिमोटिवेट इंसान को कभी नहीं चाहिए।